हेलो एवरीवन, मैं विनय चंद्रा फिर से एक आज एक म्यूज़िक लेसन के साथ आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो आज का हमारा लेसन है वो रिलेटेड है हमारे मंडे वाले टॉपिक से, जो कि मैंने आपको हारमोनियम पे आपको श्री रामचंद्र जी के श्लोक के जो मैंने स्किल्स बताए थे उसको आज हम रिदम में कैसे करेंगे। अब जिसके पास कैसियो है तो वो आसानी से उसको समझ जाएगा, और जिसके पास हारमोनियम है वो भी मैं बता दूंगा उसे इससे कैसे रिदम में उसे प्ले करना है उस एक्सरसाइज को। अगर आपने उसकी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करी है तो बहुत इजी तरीके से आप उसे प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है जैसे कैशियो के बारे में, हमारे पास इंट्रो क्या होता है, रिवर्ड फॉरवर्ड क्या होता है, एंडिंग स्टार्टिंग कॉर्ड एकम क्या होता है, रिदम टोन सॉन्ग बैंक्स मेट्रोनोम में आपको पता ही है, मेट्रोनोम में क्या होता है जिसमें प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है आपको ये पता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ, हमने शी शार्प से स्टार्ट करा था, तो मैं पियानो में आपको बजा के दिखा रहा हूँ मैं कौन कौन सी कॉर्ड यूज कर रहा हूँ। मैं सी शार्प, ठीक है, एफ शार्प और जी शार्प। मैं सेकंड ऑक्टेव से बजाने स्टार्ट करूंगा, सी शार्प एफ शार्प एंड जी शार्प, ठीक है। अब पियानो स्टाइल में मैं तीन फिंगर यूज कर रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 3 कीज यूज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं श्री रामचंद्र जी के स्केल बजाऊंगा, देखिए, आपको बताया तो एक बार प्रैक्टिस करनी है पूरा, आपको एक साथ एक लाइन में प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप इतने इजी तरीके से प्ले कर सकते हो, इसे आप प्रैक्टिस करो। अब जो सेकंड हमें रिदम में बजाना है, ये तो एक पियानो स्टाइल था, अब आपको रिदम में कैसे बजाना है, रिदम में क्या करना है आपको, रिदम तो मेरे पास जो ये श्लोक है, जो ये श्री रामचंद्र वाला भजन है, इसमें होता है रूपक ताल का यूज, ठीक है, 7 मात्रा की ताल होती है, तो उसमें हमें इसको बजाना है। तो मैंने यहाँ से रूपक ताल, मेरी जो कोड है उसका 143 है मेरे CTK 16860 में, ठीक है, मेरे कैशियो जो मॉडल नंबर है उसमें 143 में है। आपके कैशियो में आप उसे चेक कर सकते हैं कि हिंदी जो हमारे हिंदी रिदम्स हैं, इंडियन रिदम्स हैं, उसमें रूपक ताल कौन से कोड पे है। मैंने टेम्पो यहाँ पे 94 लिया है और मैंने कैट कॉर्ड एकम्प दबा के आपको स्टार्ट, ठीक है, अभी तक पियानो की आवाज़ थी, ये देखिए अब मैंने कॉर्ड एकम्प दबाया तो फिर यहाँ पे पूरा बेस के साथ और म्यूजिक के साथ सी शार्प प्ले हो गया। अब मैं इंट्रो से स्टार्ट करूँगा और मैं अपना टोन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इस वाले कोड टोन में मैं इसे प्ले करके दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम स्केल बताया आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आप ये सारी चीज़ें करेंगे, ये आपका सेकंड लेसन हो गया है, ठीक है, उसी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो गया। तो रिदम में आपको कैसे बजाना है, आपको करना क्या है, सीधा इंट्रो से स्टार्ट। अब इंट्रो से एंडिंग तक कहाँ से बजाना है, उसके बाद कहाँ से आपको श्री रामचंद्र स्टार्ट करना है, कुछ कुछ बच्चों को आता है पर रिदम में नहीं आता, तो मैंने आपको बता दिया रिदम रूपक ताल, या फिर आप कोई और रिदम यूज़ वेस्टर्न रिदम यूज़ कर सकते हो जिससे जिसमें आप इसे मैच कर सको, ठीक है। अब मैं आपको रूपक ताल में जाकर दिखाता,
इस तरीके से बहुत इजी तरीके से प्ले करनी है। पहले सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो मैंने आपको कल बताया था हारमोनियम में उसकी प्रैक्टिस श्री रामचंद्र की, वो एक मेट्रोनोम में टेम्पो में करना है आपको, एक टाइमली करना है श्री राम जैसे हम गा रहे हैं, और उससे आप जितना गा के बजाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। गाने से क्या होगा कि आपको मैचिंग और आपकी फिंगरिंग दोनों एक साथ चलेंगे। तो आज के लेसन में मैंने आपको बताया रूपक ताल, मैंने टोन कौन सी यूज़ करी, मैंने टेम्पो कौन सा यूज़ करा 94, कॉर्ड एकम कब लगाना है या फिर आपको पियानो स्टाइल में बजाना है तो उस तरीके से आप बजा सकते हैं, इंट्रो कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से सॉन्ग स्टार्ट करना है। ओके, तो आज के लेसन में इतना ही, बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा ये भजन आपका तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।